18 जुलाई 1968। सबसे नंबर वन चित्र कौन सा है जिस चित्र को समझने से क्या हो जाता है, ब्रह्मा भी एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, कोई बताएगा है? है? अरे जोर से बोलो, गीता का भगवान, गीता का भगवान कौन है? ये चित्र ब्रह्मा की आत्मा की बुद्धि में जब बैठेगा कि वास्तव में गीता पति भगवान साकार सृष्टि पर कौन है, तो परिवर्तन हो जाएगा। जब गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा तब जो अज्ञान फैला हुआ है सारी सृष्टि में, सब धर्मों में मनुष्य मात्र में अज्ञान फैला हुआ है, वो अज्ञान मिट जाएगा। कौन सा अज्ञान फैला हुआ है? नहीं, सर्वव्यापी का अज्ञान फैला हुआ है। तो क्या समझते हैं, भगवान सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है भगवान, तो एक व्यापी है। एक व्यापी बनकर के ही मुकरण रथ में इस सृष्टि पर आता है। परंतु दुनिया की बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है, इसलिए बुद्धि भटकती रहती। बेसिक ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात बैठती है क्या कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है? है नहीं बैठती। क्या प्रूफ है? नई बुद्धि में बैठती है तो दीदी दादी दादाओं को फॉलो करने लग पड़ते हैं। अगर बुद्धि में ये पक्का बैठ जाए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, संगम युग में अनेक व्यापी नहीं है, तो क्या करेंगे? एक को ही फॉलो करेंगे, एक के ही डायरेक्शन को मानेंगे। तो बेसिक वालों की तो बात ही छोड़ो, उनकी बुद्धि में तो बैठने की बात ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही बच्चा बुद्धि। परंतु जो एडवांस में चलने वाले हैं, वो अपने दिल से पूछें कि जब से एडवांस ज्ञान में आए हैं तब से लेकर अब तक सर्वव्यापी का ज्ञान बीच बीच में आता तो नहीं रहता है? नहीं आता रहता, अनिश्चय बुद्धि कभी नहीं बनते। एक के ऊपर पक्का 100% निश्चय रहता है या थोड़ा थोड़ा हिलता है? अच्छा, आगे हिलेगा, माया हिलावेगी या नहीं हिलावेगी? आगे नहीं हिलावेगी, नहीं। फिर आठवीं अष्टदेव है, उनके लिए बताया कि वो भी अंतिम जन्म में जो 84 के चक्र में सबसे जास्ती एक के सहयोगी बन के रहते हैं, वो भी अंतिम जन्म में क्या होता है हाल उनका? वो भी साथ छोड़ करके नीचे गिर जाते हैं, माया की चक्री में
आ जाते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं है, तो जब किसी को नहीं छोड़ती है तो यहाँ सूटी पीरियड में छोड़ देगी है? छोड़ देगी, सूटी पीरियड में भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए पहले से बताए दे रहे हैं क्या कि एक सर्वव्यापी का ज्ञान दुनिया में जबरदस्त फैला हुआ है। बाहर की दुनिया वालों की बुद्धि में तो फैला ही हुआ है, लेकिन बेसिक वालों की बुद्धि में भी फैल गया। उनसे पूछा जाए, भले दुनिया को समझाते हैं, क्या समझाते हैं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। फिर उनसे पूछा एक व्यापी कहाँ है, सो बताओ, तो बताएंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे? इसका मतलब उनकी बुद्धि में भी है ही नहीं। अगर कोई उनको बैठ करके समझावे तो कान बंद कर ले, भाग जावे। तो बेसिक वालों की बुद्धि में भी वो सर्वव्यापी का ज्ञान अच्छी तरह बैठा हुआ है, और एडवांस वालों की बुद्धि में भी सदा काल नहीं तो यदा कदा परसेंटेज में कुछ न कुछ पाप के ऊपर, पाप की एक्टिविटी के ऊपर, पाप की दृष्टिवृत्ति के ऊपर, पाप की कर्मेंद्रियों के ऊपर, वाइब्रेशन के ऊपर कुछ न कुछ परसेंटेज में संशय आता जरूर। एक टाइम ऐसा आना जरूर है जो पहले पहले नंबर में जो बेबी बुद्धि बच्चा है जिसको शिव बाप बहुत प्यार करते हैं, वो कौन सा बच्चा है? ब्रह्मा। सारी बेसिक की पढ़ाई और सारी एडवांस की पढ़ाई किसके लिए चल रही है, है? एक है साधु संसद है, एक का सुधार तो सारी दुनिया का सुधार, एक का परिवर्तन तो सारे भारत का परिवर्तन हो जाता है। वो एक जिस तन में पार्ट बजाता है, कौन सा पार्ट बजाता है, माता का पार्ट बजाता है या बाप का पार्ट बजाता है? माता का पार्ट बजाता है। वो एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी जब सुधर जाएगी, उसकी बुद्धि में जब बैठ जाएगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण की आत्मा नहीं है, गीता का भगवान एक शिव बाबा है, शिव बाप नहीं, कौन? शिव बाबा है, जिसको शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, जिसे शिव का नाम सिर्फ एक नाम के साथ जोड़ा जाता है, जिसको देव देव महादेव कहा जाता है, वही गीता का भगवान है। और उसी ही मुखर रथ में बाप आज से लेकर के अंत तक पार्ट बजाते, तब नंबर वार सब बच्चों की बुद्धि में ये बात 500 700 करोड़ की भी बुद्धि में बैठ जाएगी, क्या कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यक्ति। इस सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा, है तो भारत की ही भूल जो सभी जगह फैल गई। बाबा भी भारत में आते हैं और कृष्ण भी भारत में ही आते हैं, सीढ़ी भी भारत की ही है, तो भारत की ही भूल बाहर चली गई है। गीता का भगवान सिद्ध करने से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा, इसलिए बाबा का इस बात पर बहुत जोर है। ये भूल भी ड्रामा अनुसार है और फिर भी होगी, अगर ऐसा होता कि हम ये कह नहीं सकते क्या
कि भगवान सर्वव्यापी, भले हम कहते नहीं है कि भगवान सर्वव्यापी है, परंतु अंदर में समझते हैं, समझ तो सकते हैं कि खुदा न खास्ता यदा कदा कहीं न कहीं ऐसा भाव तो बुद्धि में माया डाल देती है ना कि शायद ये भगवान नहीं है। अगर थोड़े समय के लिए भी माया का अपोजिशन बुद्धि में बैठता है तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ा तो नहीं, समझाया जाता है। अगर ये भूल न होती तो फिर ये चक्र भी आगे नहीं बढ़ता। क्या शिव बाप आत्माओं का बाप चक्कर में नहीं आता? आता है, वो चक्कर में नहीं आता है तो इस भूल के चक्कर में भी नहीं आता। 5000 वर्ष के बाद इस सृष्टि पर आता है तो भी उसी आत्मा को मुकर्र ठहराता है या कोई दूसरे को पकड़ता है? उसी आत्मा को पकड़ता है, उससे भूल नहीं होती। बाकी सबसे भूल हो जाएगी क्योंकि सब चक्कर ही में आ जाते हैं। तो ये ड्रामा ही हार और जीत का बना हुआ है, इसलिए ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये भूल न हुई होती तो अच्छा। समझाया जाता है भगवान गीता सुना करके स्वर्ग की स्थापना करते हैं, मनुष्य गीता सुनाकर स्वर्ग को नर्क बनाए देते हैं। क्या गीता वही है? लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, फर्क क्या पड़ जाता है? मनुष्य गीता सुनाते हैं तो मनुष्यों की सुनाई हुई गीता से नर्क बन जाता है, और वही गीता की बात है भगवान सुनाते हैं तो स्वर्ग बन जाता है। माने क्या बात हुई? राम और रावण में खास अंतर क्या हुआ? राम भी ज्ञानी तू आत्मा और रावण भी ज्ञानी तू आत्मा, इस बात का अंतर पड़ता है, है? धारणा का अंतर पड़ जाता है। रावण है ज्ञानी, प्रकांड विद्वान है, जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं वैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, लेकिन धारणा धारणा नहीं है। तो जब तक धारणा बुद्धि में नहीं है, पवित्रता की प्योरिटी की, तब तक सब उल्टा होता रहता है। गीता का ज्ञान भला कोई सुनाता रहे, परंतु अपनी दृष्टि वृत्ति अगर नहीं सुधरी है, वाइब्रेशन नहीं सुधरा है, संकल्प नहीं सुधरे हैं, कर्मेंद्रिया नहीं सुधरी है, उन कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया है, तो नरक की दुनिया स्वर्ग नहीं बन सकती। फिर उस गीता को क्या कहेंगे, मनुष्य की गीता या भगवान की गीता? तो मनुष्यों की गीता कही जाती। अच्छा, ओम शांति।